और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का विरोध करने वालों पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में अब सीएए वापस नहीं होने वाला है और एक बार फिर से देश की जनता को यह बताया कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और भारत के पुराने हिस्से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना, कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अब तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये समझाने के लिए कि सीए पर कैसे सियासत इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि अमित शाह की भी दो टूक ये है कि सीए किसी भी सूरत में वापस नहीं होने वाला है। शरणार्थियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, अब वो जश्न मना रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि सीए के लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतुआ समुदाय के लोगों का ये कहना है कि सीए का समर्थन करते हैं और इस कानून के लागू होने से उन्हें बहुत खुशी है। सीए को लागू हुए समय हो चुका है, पश्चिम बंगाल में अभी हरि बोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी। और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है, 70 के दशक में कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी है। आप खुशी? खुशी आप बताइए। हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सीए में हम लोग खुशी है। सीए होता है तो अच्छा होता है, सीए होता है तो अच्छा होता है। आप बताइए। हमारा तो सम्मति आसे, हमारा सीए होने खूब शांति पाबो, आनंद पाबो। देखिए कह रहे हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हैं। ये क्या इनका ये कहना है कि विरोध इसको लेकर के जो हो रहा है उसको ये नहीं स्वीकार करते हैं। इनके अंदर जो है खुशी का माहौल है और यही तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि आज मंदिर में बैठ करके कीर्तन हो रहा है, विशेष तौर पर भगवान को धन्यवाद कहा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमेशा वोट के पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं और ठाकुर नगर में जो मतुआ समुदाय है वो सीए का समर्थन कर रहा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीए पर भ्रम की राजनीति करने वालों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि सीएए नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जब हम लोगों ने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं असम के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह नागरिकता का जो कानून है किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है, यह तो नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जिनका वहां पर अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी होंगे, हिंदू, जिनका कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यदि वह भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी, किसी की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर सीए पर राजनीति करने का जबरदस्त आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने सीए को मुस्लिम विरोधी बता दिया। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण
प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले, यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई। ये नागरिकता वाली बात बंगाल में नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल में जो रहते हैं सब कोई नागरिक है, किसी को दोबारा नागरिक बनाने का अधिकार नहीं, ये नागरिक हैं देश के संविधान अनुसार, जो पहले कानून था उसके अनुसार। ये जो अमेंडमेंट द्वारा जो सीए है, जो लोकसभा सामने चुनाव है, आप जो भारतवर्ष की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है, तो आप सीए लेके आप एक नया खिलौना लेके खेल रहे हैं। केरला ने समर्थन किया क्योंकि केरला भी ये बात समझती है, केरला ये समझती है कि उनके राज्य में भी सब जो लोग रहते हैं वो सब नागरिक हैं इस देश के, तो वो भी नहीं मानते। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो आज नई दिल्ली में उनके आवास पर होने वाली है। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, और जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के खेमे के सभी सीटें यहां पर दे दी हैं, जिसके बाद से ही पारस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पशुपति पारस ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया और समय मिलने पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात कह दी। अब आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा जताया है और ये कह दिया है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, सम्मानजनक स्थिति की पूरी पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, चाचा भतीजे का जो भी मामला है लेकिन दोनों बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति का पार्टी है, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर आत्मस्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं। पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहाँ जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है वहाँ रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू है, वोट बैंक की राजनीति चालू है, एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया, नहीं आंकड़े आंकड़े, पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, देवर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो, भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अभी सिर्फ सीए लागू किया गया है, इसमें एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। सीए और एनआरसी दोनों को एक साथ मिलाकर विपक्ष लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। ओवैसी साहब पे आ जाती हूं, जो आपके हमेशा he speaks against you, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है।